नंबर फोर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स पार्ट फाइव। आज इसमें हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में लर्न। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच डज नॉट ब्रिंग एनी एसेट इनटू एग्जिस्टेंस बट इट्स बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिटर्न ऑफ ओवर द पीरियड ड्यूरिंग विच इट्स बेनिफिट इज लाइकली टू अक्रू। दे आर ऑल्सो नोन एज fictitious asset at the time of change in profit sharing ratio. Deferred revenue expenditure is written off by debiting partner's capital or current accounts in their old profit sharing ratio. और जर्नल एंट्री क्या रहेगी? तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट। इलस्ट्रेशन नंबर 9 और 10। लेफ्ट साइड पे मैंने इलस्ट्रेशन के डेटा रखे हुए हैं और राइट हैंड साइड पे आप सॉल्यूशन चेक कर सकते हो। तो इलस्ट्रेशन 9 टीएस ग्रिवाल के हिसाब से ही है। हरदीप एंड संदीप आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। ओल्ड रेशियो क्या था? 4:1। और नाउ न्यू रेशियो कौन सा रहेगा? इक्वली, यानी 1:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 शोज अ बैलेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ऑफ ₹20,000 पास द जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये जो 20,000 डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है एडवर्टाइज सस्पेंस अकाउंट में, तो ये ओल्ड रेशियो में पार्टनर के बीच में बांटना है। और ओल्ड रेशियो कौन सा था? 4:1। तो 20,000 इंटू 4/5 और 20,000 इंटू 1/5। तो हरदीप के लिए क्या हो जाएगा? 20,000 इंटू 4/5। तो क्या अमाउंट आएगी? 20,000 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 4,000 इंटू 4 यानी 16,000। तो हरदीप के पार्ट में आएगा 16,000, जबकि संदीप 20,000 इंटू 1/5 तो 4,000। सो जर्नल एंट्री बनेगी, आंसर में चेक करो राइट हैंड साइड, 2020 अप्रैल 1st हरदीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000, संदीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 20,000, राइट। और नरेशन में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट रिटर्न ऑफ। अच्छा, यहां पे हमने क्यों कैपिटल अकाउंट यूज किया, क्यों करंट अकाउंट नहीं? तो फिर से रिवाइज कर रहा हूं आपको कि अगर सब में कहीं पे भी बोला होता कि फिक्स कैपिटल मेथड, राइट, तो फिक्स बेस कैपिटल होती तो हम करंट अकाउंट में ले जाते, और अगर फ्लक्चुएट मेथड है तो कैपिटल अकाउंट। और सब में कहीं पे भी कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो आपको क्या कंसिडर कर लेना है कि फ्लक्चुएशन मेथड है, सो कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। नाउ सिमिलरली इलस्ट्रेशन नंबर 10, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर्स प्रॉफिट इक्वली। तो फिर से यहाँ पे ओल्ड रेशियो 3:2, न्यू रेशियो इक्वली यानी 1:1। बट हमारे लिए यूजफुल तो अभी टेम्पररी कौन सा रहेगा? ओल्ड रेशियो 3:2। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ ₹50,000 पास जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है यानी कि लॉस है, राइट, तो इसको पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बांटना है। तो 50,000 इंटू 3/5 यानी कि 30,000 फॉर एक्स। सिमिलरली 50,000 इंटू 2/5 तो 20,000 फॉर वाई। तो
जर्नल एंट्री क्या रखेंगे हम, आंसर में चेक कर लो। यहाँ पे उन्होंने डेट कोई मेंशन नहीं की है, तो डेट के कॉलम में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 50,000। और नरेशन में अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 11। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर्स प्रॉफिट इन द लॉसेस, दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। नाउ ओल्ड रेशियो कौन सा हुआ, 5:3:2, और न्यू 2:3:5। टेम्पररी हमारी रिक्वायरमेंट कौन सी रहेगी, ओल्ड रेशियो 5:3:2, यानी कि 5/10, 3/10 एंड 2/10। नाउ फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। जनरल रिजर्व है 75,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 37,500। यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो पीएनएल अकाउंट कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बाबा प्रॉफिट है। और थर्ड वन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,500। मतलब ये जो तीनों दिए, जनरल रिजर्व, पीएनएल एंड वर्कमैन कंपनसेशन, वो तीनों प्रॉफिट है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। जबकि लास्ट आइटम एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 50,000, विच इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो पहले तीन के लिए आप कंबाइंड एंट्री लिख सकते हो कि ये तीनों जो रिजर्व्स के अकाउंट है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, उसको पार्टनर के बीच में बांटना है, तो क्या करना पड़ेगा, वो तीनों अकाउंट क्लोज करो, यानी कि डेबिट करो, और तीनों पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो यानी 5:3:2 के रेशियो में बांटना है। तो जर्नल एंट्री राइट हैंड साइड पर चेक कर लो, 2020 April 1st जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 75,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,500, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 37,500। अब तीनों का टोटल कर लो कि 75,000 प्लस 12,500 प्लस 37,500, तो ये टोटल आएगा आपका 1,25,000। अब ये 1,25,000 आपको ओल्ड रेशियो यानी 5:3:2, यानी 1,25,000 इंटू 5/10, 3/10 और 2/10 करना है, तो उस हिसाब से एक्स कैपिटल में क्रेडिट करना पड़ेगा आपको 62,500, टू वाइज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे आप 37,500, और टू जेड्स कैपिटल उसमें क्रेडिट करोगे आप 25,000। और नरेशन में ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, उसका डेबिट बैलेंस होता है, तो अकाउंट क्लोज करोगे तब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करना है, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। और रेशियो कौन सा रहेगा, 5:3:2, तो 50,000 5:3:2 के रेशियो में बांटोगे, तो 50,000 इंटू 5/10 25,000 आएगा, 50,000 इंटू 3/10 तो 15, और 50,000 इंटू 2/10 राइट, सो 10,000। तो एंट्री रहेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 50,000। नरेशन में क्या लिखना है, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।